सूरत के कतारगाम में एक पत्रकार ने टेम्पो चालक से मांगे 1 लाख रुपए। टेम्पो चालक के परिचितों ने पत्रकार को बेरहमी से पीट डाला। कतारगाम में गुरुवार की एक रात को एक पत्रकार ने अपने गैंग के साथ जानवरों को चराने के लिए पशुओं को ले जा रहे टेम्पो को रोका। उन्होंने लाइसेंस रद्द करने की धमकी देते हुए 1 लाख रुपए की मांग की और कहा कि इसमें सरकारी अनाज है, तो ड्राइवर के परिचितों ने एक पत्रकार की पिटाई कर दी। हालांकि पत्रकार खुद फरार हो गया। कतारगाम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कामरेज में मंथन अपार्टमेंट में रहने वाले लक्ष्मण पाटडिया वराचा में हिंद न्यूज के लिए काम करते हैं। गुरुवार की रात उन्हें सूचना मिली कि कतारगाम में ललिता चौकड़ी के एक टेम्पो में संदिग्ध अनाज है, तो लक्ष्मण ने पत्रकार नरेश बारैया समेत 6 लोगों ने टेम्पो को चेक किया। इस बीच हिमांशु और तुषार मोपेड पर आए और कहा कि वे टेम्पो चालक को जानते हैं। उन्होंने लक्ष्मण को पकड़ लिया और हॉकी की स्टिक से पीटा। हालांकि नरेश बारैया और अन्य फरार हो गए। अपराधी ने उसको फोन भी ले लिया। लक्ष्मण ने तुषार और हिमांशु के खिलाफ कतारगाम पुलिस में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। पत्रकार नरेश बारैया के खिलाफ टेम्पो चालक हिमांशु लिबाचिया ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक नरेश अपने दोस्तों के साथ टेम्पो में पशु चारा लेकर आया था। अगर आप टेम्पो को चालू रखना चाहते हैं और सरकारी किराना स्टोर चलाना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह पैसे की मांग की थी।